हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं पनीर बिरयानी। आज की इस बिरयानी की रेसिपी को मैंने बहुत ही सिंपल बताया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस पनीर बिरयानी की रेसिपी को शुरू करते हैं। पनीर बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया 400 ग्राम चावल। मैंने यहाँ पे बासमती राइस यूज़ किया है, आप इसकी जगह नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर हम लेंगे 400 ग्राम, जितना हम राइस लेंगे उसी के बराबर का पनीर यूज़ करें। एक बड़ी इलायची लिया है मैंने, दो तेज़पत्ता, दो इंच दालचीनी ले ले, इसे हम राइस बनाने में यूज़ करेंगे। तीन मीडियम साइज़ के प्याज लिए मैंने, उसके ऐसे स्लाइसेस कर लिए, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। दो मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ लिया है मैंने यहाँ पे। आधा कप टमाटर की प्यूरी यूज़ करेंगे, आप इसकी जगह कटा हुआ टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप पुदीना, आधा कप धनिया पत्ता, तीन हरी मिर्च ऐसे बीस से काट लिया है। मैंने ये मिर्ची कम तीखी यूज़ की है। एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। जीरा हम लेंगे आधी छोटी चम्मच। यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर को दूध में भिगो के रखा है, आप इसकी जगह फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी हमें चाहिए चार बड़े चम्मच। तेल हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करना है और इसकी सब्जी बनानी है। मसालों में हम लेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, डेढ़ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, चार बड़े चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट की शाही बिरयानी मसाला यूज़ की है। गरम मसाला का पाउडर आधी छोटी चम्मच, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले एक पतीले में मैंने 2.5 लीटर के करीब पानी चढ़ाया है। पानी को ढक के उबालने के लिए छोड़ दे हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे पैन को कवर कर देती हूँ मैं। तब तक हम क्या करेंगे, इस चावल को धो के निकाल लेते हैं। तो जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा, हम इसमें ये वॉश किया हुआ चावल डाल देंगे। चावल को मैंने भिगो के नहीं रखा है, आप चाहे तो भिगो के यूज़ करें। ये चावल डाल दिया मैंने, फिर हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसके बाद ये जो खड़े मसाले हमने यूज़ किए हैं ये तीनों डाल दें। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, मिला दें इन सबको। अब हम पैन को कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो पैन को कवर किया मैंने, गैस का फ्लेम हाई रखे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि राइस जो है वो पानी में उबलना शुरू हो गया है। तो चावल को हमें 60-70% पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जितना हम राइस नॉर्मली खाते हैं उससे थोड़ा सा कम पकाएं। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे और 2 मिनट और पकने देंगे। 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि चावल जो है वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पक चुका है, ये देखिए। तो हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और एक बार मैं राइस को दिखाती हूँ कि हमें कितना पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो राइस है ये आधे से ज़्यादा पका हुआ है। जैसे ही आप उसे टच करें वो टूट जाएगा, इतना ही पकाना है। तो बस हम तुरंत क्या करेंगे, राइस का पानी निकाल देंगे, नहीं तो चावल जो है वो ज़्यादा पक जाएगा। तो ऐसे स्ट्रेनर से इसे छान लें, थोड़ा सा स्ट्रेनर को ऐसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो ऐसे राइस को स्प्रेड करके और इसे थोड़ा सा ऐसे टैप कर लें। इसे हम पंखे के नीचे रख देंगे या फिर थाली में स्प्रेड करके रख दें ताकि चावल जो है वो अलग अलग रहें। तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम किया है मैंने। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तो प्याज एक डाल के ऐसे चेक कर लें। अभी तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा और गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें, फिर हम इसमें ये प्याज डालेंगे। जैसे हम पकौड़े तलते हैं ठीक उसी टेम्परेचर पर हम इसे फ्राई करेंगे, ये देखिए। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो प्याज जो है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि प्याज जो है वो थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे और उसका जो टेक्सचर है वो क्रंची आएगा। प्याज कैसे फ्राई करते हैं बिरयानी के लिए, उसकी रेसिपी वीडियो भी है मेरे चैनल पर, तो आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में दिखाया है, ये देखिए। ठीक इसी प्रोसेस से ये मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है, इसी प्रोसेस से हम बाकी के जो प्याज है उसे भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें और जैसे ही प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमने प्याज को फ्राई कर लिया है, इसे हम अलग रख देंगे और चलते हैं अगले स्टेप में। तो अब हम पनीर को पकाएंगे। तो गैस पे मैंने एक पैन गरम किया है, पैन के गरम होते ही हम इसमें तेल डालेंगे। तेल के साथ साथ थोड़ा सा आप एक चम्मच घी डाल दें, उससे सब्जी और अच्छी बनेगी। इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को थोड़ा सा पक जाने देंगे, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। जैसे ही जीरा पक जाएगा हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे, मिला दें प्याज को।
प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो इसे पकने देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने ये होममेड पेस्ट यूज़ किया है जिसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे। मिला दें इसे। अदरक और लहसुन को हम प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन पक जाएगा हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे हमेशा की तरह, क्योंकि हमें सूखे मसाले डालने हैं। तो सूखे मसाले डालने से पहले गैस का फ्लेम हमेशा कम रखें। तो हल्दी डाला मैंने, लाल मिर्च पाउडर, ध्यान रहे हम हरी मिर्च भी यूज़ करेंगे तो लाल मिर्च थोड़ा कम यूज़ करें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे यहाँ पे। बस हम बिरयानी मसाला जो है वो नहीं डालेंगे, उसे बाद में यूज़ करेंगे। तो मिला दें इसे। मसालों को हम कुछ सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, मिला देंगे इसे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपके पास टमाटर की प्यूरी नहीं है तो आप बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो पैन को कवर कर दें और पकने दें। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि टमाटर जो है वो प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो मसाला हमारा रेडी है। तो लास्ट में हम इसमें ये बिरयानी मसाला पाउडर डाल देंगे, मिला दें इसे। बिरयानी मसाला 4 बड़े चम्मच कम से कम यूज़ करें, उसी से बिरयानी का जो फ्लेवर आता है वो आएगा। मिला दें मसाले को। बिरयानी मसाला डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। तो थोड़ा सा पानी डालें पहले, मिला दें इसे। एक साथ ज़्यादा पानी डाल देने पे ग्रेवी अगर पतली हो जाएगी तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम। हमें एक थिक ग्रेवी बनानी है। तो बिरयानी मसाला डालने के बाद हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे ढक के। तो पैन को हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकने देंगे। तो 2 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने, मिला दें इसे। मसालों से जो है वो तेल अलग दिखने लगा है, ये देखिए, मतलब मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तब हम इसमें वापस थोड़ा पानी डालेंगे। तो इस बार हम 1/3 कप पानी यूज़ करेंगे, मिला दें इसे। हमें एक थिक ग्रेवी बनानी है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक हमने चावल में भी डाला है तो नमक हिसाब से डालें, मिला दें नमक को। तो हमारा ये जो ग्रेवी है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो ये पनीर क्यूब्स डाल दें, पनीर आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े काटें, मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा छोटा दोनों ही काट लिया है। मिला दें पनीर को। पनीर को मिलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखें क्योंकि पनीर जो है वो टूटने लगते हैं। आप चाहें तो पनीर को शैलो फ्राई करके उसके बाद इसमें डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे पनीर को कच्चा ही यूज़ किया है। मिला दिया। अब हम इसे ढक के 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो पैन को कवर किया मैंने, गैस का फ्लेम मीडियम है। 1 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने और यहाँ पे हमारी पनीर की जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ़ कर देंगे। लेयरिंग करने में टाइम लगता है इसलिए गैस को ऑफ़ कर दें ताकि ये ज़्यादा ना पके। मसाला और ये जो पनीर है उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दें, गैस ऑफ़ किया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, लेयरिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ये हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई, यहाँ पर मैंने कम तीखी हरी मिर्च यूज़ की है। इसके बाद ये धनिया पत्ता छिड़क दें ऐसे, पुदीना पत्ता डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर ये फ्राइड अनियन डाल देंगे। तो आधा अनियन यहाँ पे यूज़ करेंगे, आधा बाद में, स्प्रेड कर दें अच्छे से। इसके बाद हम इस पर चावल डाल देंगे। तो चावल की हम एक ही लेयर बना रहे हैं तो यहाँ पे ये जो खड़े मसाले हैं वो आप निकाल सकते हैं और ये चावल की लेयर जो है वो पूरी डाल दें इसके ऊपर। मैं यहाँ पर सिंगल लेयर बना रही हूँ। अगर आपको 2 लेयर बनाना है तो आधा पनीर मसाला निकाल लें, उसके बाद ये लेयरिंग करें। तो चावल को अच्छे से स्प्रेड कर दें और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर घी डालेंगे। तो 2 बड़े चम्मच घी डाल दें यहाँ पे और फिर इसके ऊपर ये केसर डाल दें। अगर आपके पास केसर नहीं है तो फूड कलर पानी में भिगो के उसे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर वापस हम ये धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता डालेंगे और इसके बाद ये जो बचा हुआ फ्राइड अनियन है वो डाल दें
और लास्ट में हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। आप इसमें गुलाब जल या फिर केवरा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं जो बिरयानी में यूज़ होता है। अब लास्ट में हम इसे कवर करेंगे, तो आप इसे चाहे तो आटे से सील करें या फिर शॉर्टकट में ऐसे फॉइल पेपर से पैन को अच्छी तरह कवर कर दें। बिरयानी बनाने में एक बात का ध्यान रखें कि पैन जो है वो थोड़ा सा थिक हो, नहीं तो बिरयानी नीचे से जलने लगती है। तो ये फॉइल पेपर लगा दिया मैंने, अब एक ऐसा ढक्कन ले जिससे पॉट अच्छी तरह बंद हो जाए। तो ये इसका ढक्कन है, इसे मैंने लगा दिया। वापस ऐसे किनारों को अच्छी तरह सील कर दें। फॉइल पेपर में बहुत अच्छे से सील नहीं होता है, लेकिन काम चलाऊ हो जाता है। गैस को ऑन किया मैंने, गैस का फ्लेम मीडियम किया मैंने और शुरू के 3 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ध्यान रहे, पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट होते ही हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तो इसे छोड़ते ऐसे। यहाँ पे ये बिरयानी पक चुकी है, गैस को ऑफ किया मैंने और इसे हम थोड़ा सा सेटल होने के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुके हैं, पैन का ढक्कन हटाया मैंने और बिरयानी का जो फॉइल पेपर है वो ऐसे डायरेक्ट ना उठा के सावधानी से हटाएं। जिस साइड आप है उस साइड से ना हटा के उसके अपोजिट साइड से ऐसे हटाएं इसे। बर्तन बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टीम अंदर रहता है, तो सावधानी से हटाएं इसे। और ये हमारी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो बिरयानी को आप सेंटर से ना निकाल के ऐसे साइड से या फिर जैसे हम केक कट करते हैं उस तरीके से इसे निकालें। इससे क्या होगा, हर प्लेट में बिरयानी की लेयर जो है वो अच्छे से जाएगी। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं नीचे जो मसालों की लेयर है वो है, बीच में कलरफुल राइस है और ऊपर ये वाइट राइस। तो बस इसी तरीके से हम निकाल लेंगे इसे। इस बिरयानी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे हम पनीर की सब्जी बनाते हैं उसके ऊपर राइस की लेयर लगानी रहती है। तो आप देख सकते हैं और ये एकदम ऑथेंटिक दम बिरयानी वाली फ्लेवर आती है इस बिरयानी में। तो इस बिरयानी को हम प्याज और फिर रायते के साथ सर्व करेंगे और ये हमारा पनीर बिरयानी तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।